एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो भी होने वाली है लेटर के हवाले से, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट सुन रही हूँ और पढ़ रही हूँ कि आप लोग लेटर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आजकल, कि आपकी बिल्ली जो है वो लेटर यूज़ करना छोड़ देती है, और या फिर कोई और इशू हो रहा है लेटर यूज़ करने में, या फिर जगह जगह वो वॉशरूम कर रही है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा हल लेकर आई हूँ आपके साथ, कि आप लोग इस तरीके का वुडन लेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसे बूढ़ा कहा जाता है। समझे, ये फ्री का होता है, मतलब किसी भी बड़ाई की जो दुकान होती है जिसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह काटी जाती हैं, उसके पास ये वेस्ट ही पड़ा हुआ होता है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और एज अ लेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास पूरा डब्बा भर के ये लेटर है, और पर्सनली मुझे ये लेटर बहुत पसंद है और मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर आ चुकी है और विंटर के अंदर कैट जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास करती हैं। तो ये जो है वो है भूसा, एक तरीके का ये भूसा है, लेकिन उनके पास जो होता है जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह कटती हैं, उनके पास पूरा एक वुडन प्लेट्स होती हैं, वुडन की प्लेट्स होती हैं उनके पास, तो वो भी होती हैं। तो आप लोग वो चाहें तो आप वो भी कर ले सकते हैं, और इस तरीके की शेप भी ले सकते हैं। तो मैंने पर्सनली ये यूज़ करी है, क्योंकि वो जो है ना, उसका मैंने ये देखा कि वो ना बहुत ज़्यादा उड़ती हैं या पैर में चिपक जाती हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये इशूज़ होते हैं। तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोग को बता देंगी कि ये किस तरीके से यूज़ होगी, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसे हम खोलेंगे इस पैकेट को। अच्छा, ये 1 kg है ये पैकेट, आपको बता दो ये 1 kg है, और ये 1 kg का पैक मुझे पड़ा है 124 rupees में, ये पैक मुझे पड़ा है। ये देखिए आप लोग, इस तरीके का ये लेटर है, और ये विंटर्स के लिए मैं बोलती हूँ बेस्ट लेटर है, क्योंकि कैट्स बहुत ज़्यादा जो है वो लेटर करती हैं और कंज्यूम करती हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक पैकेट में आपको अच्छा खासा लेटर मिल रहा है, अच्छा खासा आप लोग को लीटर एक पैकेट के अंदर आप मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 124 rupees में आपको अच्छा खासा लीटर मिल रहा है। और अगर आपके करीबी कोई दुकान है इस तरीके की जहाँ पे लकड़ी वगैरह का काम होता है, तो आप वहाँ से जाकर फ्री ले सकते हैं, बट मेरी तरफ नहीं थी तो मैंने ये ऑर्डर करके मंगवाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आराम से आपका चल जाएगा, अगर आप इसको तरीके से चलाएंगे तो ये चल जाएगा। बट इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके थोड़े नुकसान हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा पूरा लेटर बॉक्स जो है वो भर चुका है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा है, एज अ लेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पूरा डब्बा भर के जो है वो मंगवाया हुआ है लेटर अपने पास, क्योंकि पर्सनली मुझे ये लेटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और विंटर में ये यूज़ करने का बहुत अच्छा लेटर है। ये आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। लोकल लेटर जो आते हैं वो फिर भी इससे बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, लेकिन ये लेटर जो है वो बिल्कुल फ्री में है। तो ये सारे थे इसके फ़वाद। अच्छा, अब मैं इसके थोड़े से नुकसान बताती हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर क्लम्प नहीं बनता, आप लोग देख सकते हैं, जब भी आपकी कैट इसके अंदर यूरिन पास करेगी तो उसके पैरों पर भी ये चिपक सकता है, और आपके पूरे घर में जो है ये उड़ भी सकता है, यानी कि आप पंखे के नीचे रख रहे हैं, अपने रूम में रख रहे हैं, तो वो उड़ के इधर उधर जा भी सकता है। इसके अंदर क्लम्प नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको ना उठाने में बहुत तकलीफ़ होगी, जैसे कि हम पहले इस तरीके से उठाते थे, छानते थे और फेंक दिया करते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी मिट्टी जो है ना वो फेंकनी पड़े, यानी कि पूरा जो आपको बुरादा जो है वो आपको हो सकता है फेंकना पड़े। तो जब भी आप यूज़ करिएगा तो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करिएगा, ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, जैसे मैंने पूरा भर दिया। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ किया है। दूसरा ये कि ये इतने अच्छे से स्मेल कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए आपको कोई भी ड्यूडाइज़र लाजमी चाहिए होगा। तो मैं आप लोग के साथ दो शेयर कर रही हूँ ड्यूडाइज़र, जो मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं आप लोग के साथ ये ड्यूडाइज़र शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लें। सबसे पहले तो ये है फ्रेशनर का कैट लिटर फ्रेशनर, ये यूज़ कर रही हूँ मैं सबसे पहले, ये देख लें आप लोग, ये यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद दूसरा जो है वो ये है, ये वाला लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये दिखाया है, तो ये बहुत अच्छे से स्मेल वगैरह रोक लेता है। तो ये दोनों में से आप लोग जो चाहें वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मैं पर्सनली इसका बोलूँगी, क्योंकि ये
मतलब बड़ी से बड़ी स्मेल को रोक लेता है, गंदी से गंदी स्मेल को ये रोक लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना वो फिर भी इससे बेस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको जो भी सही लगे, जो आपको आप जिससे सेटिस्फाई हैं, आप वो वाला ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये रख दिया है आप लोगों के सामने, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये यूज़ करके भी दिखाया है आप लोगों को। ये दोनों मैं यूज़ करके दिखा चुकी हूँ। पर्सनली मैंने लिटर के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है आप लोग जाके लिटर की वीडियोस देखें। और अगर आप लोग चीप लिटर लेना चाहते हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं, ये लिटर बहुत अच्छा है। बस ये है कि जो थोड़े बहुत मैंने इसके नुकसान बताए उसका आपको ख्याल रखना है, आपको उसको डेली डेली क्लीन करना है, और जो है क्या कहते हैं थोड़ा कम लिटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि फिर आपको एंड में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। आप चाहें तो इसकी प्लेट्स ले सकते हैं, वरना आप चाहें तो इस तरीके का शेव भी ले सकते हैं, शेविंग भी। इससे ये होगा कि ये ज़्यादा उड़ेगा नहीं और ज़्यादा पैरों में फंस के बाहर नहीं जाएगा, ये गंदगी ज़्यादा नहीं होगी। प्लेट्स में ये होता है कि वो फिर उड़ती है वो, और दूसरा ये कि वो पैरों में जो है ना लग के कैट्स के पैरों में, क्योंकि वो जगह गीली हो जाती है, तो कैट के पैरों में लग के फिर वो बाहर जाती है, तो आपका कमरा या घर जो है वो गंदा हो सकता है। और कोशिश करें कि आप अपने लिटर को अपने वॉशरूम के करीब रखें या बाहर वाले एरिया में रखें, अपने कमरे के पास ना रखें। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आपको ड्यूडाइजर लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो इसके अंदर आपको ड्यूडाइजर आपको लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, या फ्रेशनर आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट ये लिटर मैं कहूँगी, अगर आप लोग फ्री का लिटर यूज़ करना चाहते हैं तो ये लिटर बहुत बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। नेक्स्ट आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक की आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरी और लिटर की वीडियोज़ देखी होगी तो अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आपके सारे मसले मसाइल हल हो गए, क्योंकि मैंने हर उस पर लिटर की हर प्रॉब्लम के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई, जो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।